नमस्कार, फिर से स्वागत है एक नई अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2022 की जेडी आरक्षक भर्ती पदों की संख्या की बात करूं तो 5,800 से अधिक पद देखने वाले हैं। यानी कि यहां पर देखिए, जेडी आरक्षक भर्ती की 5,800 से अधिक पद आने वाली है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस में 5,853 पदों में भर्ती की स्वीकृति जल्द ही शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया बिग अपडेट, देखिए बिग रिक्रूटमेंट ऑफ 5,853 पोस्ट छत्तीसगढ़, है ना। डेट आप देख सकते हैं, 11 जून 2022 को डेट जारी किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट में, पोस्ट इन छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से संबंधित। इसके बाद बात करें, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से करीब 3 साल के बाद एक बार फिर से बड़ी भर्ती होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर अब बात करें तो रायपुर से, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में करीब 3 साल के बाद एक बार फिर से बड़ी भर्ती होने की जा रही है। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती पर लगे रोक को हटाते हुए 5,853 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस तरह आप देख सकते हैं कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के पास पुलिस विभाग में नौकरी करने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। राज्य में बेरोजगार युवा पुलिस विभाग में भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो कि 3 साल बाद प्रोसेस किया गया है। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि बेरोजगार युवा पुलिस विभाग में भर्ती के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, 3 साल बाद राज्य सरकार एक बार फिर से 5,853 पदों में भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जो कि देखिए, सहायक आरक्षक के पद खत्म और दूसरी ओर सरकार के गृह विभाग के साथ चर्चा के बाद सहायक आरक्षक यानी कि एसपीओ के पद को समाप्त कर दिया गया है। इन पदों पर सरेंडर करने वाले नक्सलियों और बस्तर के स्थानीय युवाओं को एक निश्चित वेतनमान में भर्ती की जाती है। पूर्व में सहायक आरक्षक के 5,850 पदों में से 4,121 पदों यानी कि 4,121 पद में नियुक्ति कर दी गई थी। अब सरकार ने रिक्त पद यानी कि सभी के लिए 1,729 पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, राज्य में 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं। यानी कि देखिए, पिछले वर्ष यानी कि 2 मई को पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों में नई भर्ती लगा दी गई थी। पुलिस में रिक्त पदों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई और कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने उक्त पदों में भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पदों में भर्ती के बाद राज्य सरकार प्रति वर्ष 150 करोड़ के सालाना खर्च आएगी। फिलहाल देखिए, पदों की भर्ती स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। देखिए आप देख सकते हैं, राज्य सरकार ने दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो जल्द ही विभाग द्वारा विभागीय विज्ञापन जारी करने की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डेट दिया गया है 11 जून 2022 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बात करना चाहूँ कि देखिए, जो लोग बारहवीं पास हैं इसकी तैयारी कर सकते हैं जेडी की। और इसके बाद देखिए कि एसआई भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है, एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, सब ये अभी देखने को मिलेगा। इस जल्द ही देखिए, ये सब बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को जल्द मिलेगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।